टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है भाई, तो बड़ा भारी भरकम शब्द है। इस पर तो वीडियोस भरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, एक पे एक वीडियोस है सेल्फ डिसिप्लिन पे। आप इसे टाइम मैनेजमेंट के नाम से भी वीडियो बना सकते हो, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्टम्पलेशन, कुछ भी नाम दे दो स्टूडेंट। इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको अपने जीवन में अपनी प्राथमिकता पता होनी चाहिए, दिल से पता होना चाहिए आपको। और आपको डर लगना चाहिए कि अगर आपने करियर नहीं बनाया, पैसे कमाना शुरू नहीं करे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो डर होना चाहिए आपके अंदर। आप इसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ मेरा तरीका। मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हो, आप क्लासेस भी लेते हो, आप ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं इतनी सारी, मेडिटेशन भी करते हैं, फैमिली भी ऑफ कोर्स, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? मेरा एक ही जवाब होता है, सेल्फ डिसिप्लिन या टाइम मैनेजमेंट। पूरी दुनिया के पास 24 घंटे, ईश्वर ने एक मिनट भी किसी को कम या ज्यादा नहीं दिया, पर उसी 24 घंटे में लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय को यूज करते हैं। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप मुझे फॉलो करो, कहीं भी किसी को भी फॉलो करो, उन्हें एक काम करना है, आपको आज एक डायरी लेनी है, छोटी सी डायरी या पतला सा रजिस्टर लो, ठीक है। इस डायरी को हम कहेंगे जागृति, जागृति, अवेयरनेस डायरी। और इस डायरी के अंदर हम क्या करेंगे, हम डेली, जैसे कल अगर मुझे करना है तो मैं डेट डालूंगी इसके अंदर, सपोज 24th में, और मैं बनाऊंगी MCD लिस्ट। MCD मतलब मस्ट डू वर्क, कैन डू वर्क एंड डोंट डू वर्क। ये आप रोज लिखेंगे उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मस्ट डू वर्क ये है कि मुझे कल, सपोज मैं कल के लिए बना रही हूं, मुझे 4 क्लासेस मेरी अटेंड करनी है, एक बॉटनी, एक जूलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स की, जो भी टीचर्स मैंने एक चूज करे उनको, ये मेरी मस्ट डू। उसके बाद मुझे उनकी क्लासेस में जो वो पढ़ा रहे हैं उसे लर्न करना है, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कैन डू, जो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं अगर मुझे टाइम मिल गया उसके बाद, जैसे मैं आधा घंटा थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकती हूँ, थोड़ा सा मैं वॉक करके आ सकता हूँ, मैं संडेज है अगर तो मैं एक मूवी देख सकता हूँ, ये मेरा कैन डू है। और डोंट डू, डोंट डू, अब आप कहोगे मैम सोशल मीडिया नहीं देखना, वो रील एक बार स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो करते जाते हैं, ये सब कुछ नहीं करना, पर ये इतना आसान नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डोंट डू को मिनिमम में डाल सकते हो, मतलब आप दिन भर में आधा घंटा 30 मिनट्स निकाल सकते हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर आपने 30 मिनट निकाले ना, वो कब 2 घंटे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। कितनों के साथ ऐसा होता है प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। पता है मेरे साथ तो क्या होता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे पोटैटो चिप्स बड़े पसंद है और मुझे पता है अगर वो घर में है तो मैं उसको 1 घंटे में, क्या मतलब, मैं एक सिटिंग में उसको खत्म करने वाली हूँ। और जब मुझे वो नहीं खाने हैं तो मैं उसे लेकर ही नहीं आती हूँ, मैं उसे घर में खरीद के ही नहीं लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो घर में आएंगे तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरा तरीका है। अब आपका क्या तरीका है आपको देखना है, या तो आप बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे ये नहीं करना है, या आप उसके लिए टाइम ब्लॉक कर दो कि मुझे इतनी देर करना है, जो भी आपको सूट करता है। मुझे तो ये सूट करता है कि मैं उस काम को पूरा छोड़ दूं, जो भी आपको सूट करता है। तो सबके पास एक जागृति की डायरी होगी, उसमें डेली हमको ये लिखना होगा। और इसके अलावा मेडिटेशन, इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा स्टूडेंट्स, इससे हमारी नींद रेगुलराइज होगी, कम आती है तो ज्यादा, ज्यादा आती है तो कम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। एक बात मेरी ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट्स, मोटिवेशन हमेशा अंदर से होता है, इंटरनल। वीडियोस देखकर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड रह सकते हो, इंटरनल मोटिवेशन जब तक नहीं होगा, जब तक वो पावर नहीं होगी, तब तक आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे।